तो सुबह की शुरुआत होती है हमारे नाश्ते से, जो है फ्रेंच टोस्ट। आज मम्मी ने बनाया, जैन भाई टिफिन में भी रखा था, और ये पराठा। आ गई आप स्कूल से, तो कैसा नहीं कैसा लग रहा है आपको? आप स्कूल में, आप डेली रूटीन में जा रही हैं। ये स्कर्ट कैसे पहना हुआ है? बेल्ट से स्कर्ट फंसी और हुक, वाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैंने शाम से ब्लॉग स्टार्ट किया है, जुमा है, तो आप सबको जुमा मुबारक। और आज पूरा दिन फिर मैं जो करती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ कुछ काम से ऊपर, फिर काम करके फिर अभी गिरी जो है। يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلب। अभी हम मंगाने जा रहे हैं समोसे, क्योंकि हमें लग रही है बहुत ज्यादा बारिश में समोसों की क्रेविंग, तो इस वजह से हम समोसे खाने वाले हैं। और जैन लाएगा हमारे लिए, क्योंकि टाई के देख रहा हूँ, मेरे को भी उड़ानी है अभी। हाँ ठीक है। और मम्मी गाइस, ये तैयारी चल रही है हलीम बनाने की। मम्मी अभी ये कौन सी दाल है, बड़ी बहुत टाइप की आज मम्मी ने टाइप करवाया व्हाट्सएप पे कि ये मंगवानी है वो मंगवानी है। कि कौन सी दाल है? दाल नहीं है। अच्छा ये वो है ना, गेहूँ। वाह ये ऐसा भी हो जाता है। बारिश में नीचे कीचड़ में गिर के मत आना, ठीक है, समझ गए? और जल्दी आना, ये मौसम हो और समोसे ना खाएं, ऐसा हो सकता है क्या? मतलब इतना अच्छा मौसम है आज का, थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो गई है तो काफी अच्छा है आज मौसम। तो इस वजह से हमें समोसे की बड़ी क्रेविंग हो रही थी, ऑर्डर करने लगी। तो ये मेरे ट्राइपॉड का टूट गया था, बल्कि ये कल पापा दो लेकर आए हैं। तो एक दूसरा भी आता है, वो बहुत मतलब कि भी मैं दिखाती हूँ कौन सा वाला, वो वाला अच्छा नहीं होता। अगर आप कभी भी अपने ट्राइपॉड के लिए खरीदें तो ये वाला खरीदें, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता, मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं, पता नहीं कितने का है। तो पापा कल ये दो लेकर आए, क्योंकि दोनों मेरे ट्राइपॉड के टूट चुके थे, तो बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो कल ये आ गए और मैं अभी आपको टूटा वाला दिखाती हूँ, वो इतना अच्छा नहीं होता है। इसमें ये जो नीचे लगा होता है ना, मतलब कि इससे मोबाइल शिफ्ट नहीं होता, उसमें जो रबर होता है वो बहुत जल्दी शिफ्ट होकर टूट जाता है, वो खुद भी बहुत नाजुक होता है। तो ये वाला है, ये बिल्कुल बेकार होता है, ये मत खरीदना कभी भी, एकदम ही बेकार होता है। इसमें नीचे जो एक पतला सा वो लगा होता है, उसमें हल्का सा रबर लगा होता है, और ये फंसाने का होता है, ये बिल्कुल बेकार होता है। देखिए कैसे टूट गया बिल्कुल। يَا مَنْ فِي قَلْبِكَ رَحْمَةٌ لِلنَّاسِ يَا مَنْ أَلَّفْتَ قُلُوبًا بِالْإِسْلَامِ। आज कोई अच्छे से पिटने वाला है, दिखाती हूँ कौन पिटने वाला है। ये पिटने वाले हैं दोनों आज जी। अरे क्या आपको ज़्यादा पतंगबाज बनना है? तुम दोनों ने पता फालतू में थका दिया इतना। मम्मी ने कहा दो चार्टर लगा के आना इन दोनों को, ये दोनों भाग के ऊपर आए ताकि हम लोग नमाज पढ़ रहे थे, कोई पकड़ ना पाए। मम्मी तो काम में लगी हैं बुरी। नीचे उतरो। अरे गाइस बताती हूँ मैं, ये किसकी टॉप पहने, ये ओवर साइज बनाने के चक्कर में इसने क्या करा हुआ है कि मेरी टॉप पहना हुआ है इसने, क्या ये पे ओवर साइज लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा अब तुम पहने रहो फिर, क्योंकि अब मेरी वाली टॉप पहनती नहीं, मैंने इसको बेकार कर दिया है। आज बड़े बादल हैं लग रहे हैं, आज अच्छी वाली बारिश होने वाली है रात तक। भाई पतंग पतंग पतंग, इधर सुनिए, इधर सुनिए प्लीज़, हेलो इधर। यस ब्रो, कैसा पसीना पसीना हो रहा है, लेकिन कोई इसको वो चिंता नहीं है। ये लड़ाई हाँ है, लगाई जा रही है, कोशिश करती हूँ पतंग उड़ाई। मैंने लॉकडाउन में बड़ी उड़ाई, और जब छोटी थी तो हमारे घर में जो अफजल भाई हैं वो इतना पतंग उड़ाते, इतना पतंग उड़ाते, बस पूछे नहीं। उनको संडे संडे जब भी छुट्टी रहती वो पतंग उड़ाते ज़रूर थे, तो हम लोग जाके पहुँच जाते थे छत पर, और फिर वहाँ पर साथ में पतंग उड़ाते थे। उनसे मैंने थोड़ी बहुत सीखी है, अब पता नहीं मुझे इतना आती है कि नहीं, लेकिन बहुत मज़ा आती है। लेकिन इन दोनों को ये मतलब ऊपर का फ्लोर इस वजह से यहाँ नहीं आने देते, पुराना वाला घर होता तो वो सेकेंड फ्लोर था वहाँ तक चल जाता, कि यहाँ पे अकेले रहते इस वजह से यहाँ नहीं आने देते हैं। तो भाई कन्ने क्या बोलते हैं ये कन्ने ना, इतना तो मुझे पता है, ये कन्ने जो है इसको बांध दिया है, अब इसमें हम लटाई से, लटाई का है नहीं नहीं मैंने नहीं बांधा, जैन ने बांधा है। मुझसे ये पहले भी नहीं बांधते थे, अफजल भाई बांधते थे। तुम्हारी सेम हरकतें अफजल भाई करते थे, ऐसे ही लगे रहते टेप के साथ। फट गई है क्या कहीं से? नहीं लगा देते वरना फट जाती है ऊपर। इसको कस के बांधो ना, ये कस के नहीं है। हाँ बांध रहे हैं भाई, थोड़ी देर छोड़ो। ये तुम खरीद के लाए ना बेटा? हाँ। ये बेटा सिर्फ लटाई खरीद के लाया हूँ। ये तो लटाई नहीं खरीदी, ये अब्बू ने मंझा दिया इतना सारा रात में। वो वाला होता था एक टाइम पे जब हम छोटे थे, चाइना मंझा बोलते थे। अरे भैया तो मिलता है उसको, तो पूछो नहीं, बहुत अच्छा है। चाइना मंझा में क्या होता था, अफजल भाई कहते थे चाइना मंझा इसका, जो हम लोग लूटते थे पता है, उसमें कहते थे चाइना मंझा है इसको ना देना किसी को। तो वो जो छत पे अपने लड़के होते इतना चिल्लाते हैं, कहते हैं मेरी पतंग है छोड़ो छोड़ो। हम लोग इतनी हंसी आती थी, इतनी पतंग लूटते थे हम लोग, ईटा मार मार के नहीं बना।
वाले घर में बहुत सारी आती थी, उस एरिया में ज़्यादा लोग उड़ाते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा कम लोग उड़ाते हैं, उड़ाते हैं लेकिन बहुत दूर दूर पे, तो मैं मतलब घर के ऊपर किसी के नहीं आती। ऊँची करो ऊँची, हल्की क्यों नहीं रखती हूँ इसको, वो बेचारा ऊँची कर रहा था, वो अटक गई उसमें, क्या उड़ा रहा है धीरे धीरे, क्या हो गया, नहीं उड़ाते हो क्या तुम? हाँ वैसे तुम्हें आती भी कहाँ है, चुड़ैया दो चुड़ैया। गाय ये देखिए बिचारी की पतंग क्या कर रहा जानू? इधर की है, इधर की है। नहीं पतंग वो लड़की वहां पर उड़ रही है। अच्छा इसी तरह सही है सही है। ऊपर नहीं हम पतंग... देखिए गाइस बिचारी की पतंग फाड़ रही है। नहीं नहीं इसको यूं ही ऑब्जर्व करवाते थे ना हम। बोलो यार तुम बताइए नहीं हम ऊपर क्यों आएंगे? अब किस के लिए बंद कर रहे हैं? अच्छा छोड़ो बंद करो। हां भाई पकड़ो तुम ये पकड़ो। हां ये सुरना पकड़। सुरना यही सुरना बोलते हैं। अरे ऐसे नहीं ऐसे इनको ये आता है। ओ देखिए गाइस ऐसे थोड़ी ना किया जाता, आटा बोल लियो तुम ऐसे रोटी खोलते थे। खोल दे नहीं खोलना नहीं खोलते, मजा आती है ना खोलने में। तुम बंद क्यों कर रहे हो? ऊंची नहीं करनी, ऊपर से करेंगे। ऊपर से नहीं, ऊपर से नहीं, यहाँ दीवार है। नहीं तो फिर तुम नीचे करो बेटा। तुम दोनों पकाने के लिए नीचे पहले ही खड़े होंगे, ये किसी की छत पे गई। नहीं मानते यार तुम लोग, ऊपर ही उड़ा रहे, ऊपर नहीं आएंगे। और पापा से ही बता देंगे कि वहाँ खुला है, वो लोग ऊपर चढ़े हैं। कहाँ उड़ रही? कुछ नहीं उड़ रही वो, देखो एक की कितनी ऊपर है, उतनी ऊपर लेके जाओ, उतनी ऊपर लेके जाओ। जब ऊंची कर ली ना तब देना, ऊंची करवा के मजा आती है, गिराने में तो मजा आती है। हाँ और ऊंची और ऊंची, ये लोग ने अभी से इतनी ऊंची करी है। अभी मैं सोची और ए गिरी 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 गिर गई गिर गई। किस किसके हाथ में है? उड़ाओ ना। अरे ये नटाई नहीं खोल ली इस वजह से डोर खोल। मगरिब से पहले तक का टाइम है इन लोगों के पास, बस मगरिब से पहले तक। हाँ ये अच्छी जा रही है, ऊपर करो यार, ये तो तुम नीचे उड़ा रहे हो, कोई खींच लेगा मार के ईटा वीटा। हाँ ये देखो ये सही है, ऐसे नीचे फेंक दो लटाई, हम लोग उड़ा लें, नीचे फेंक दो उसके, उतनी ऊंची करो वो वाली। काटने आ रहा कौन? वो कहाँ है? ब्लू वाला तुम उधर ले ही जा रहे हो, इस तरफ लाओ, मेरी तरफ इस साइड पे लाओ। मजा नहीं आई, काट देगा। नीचे कर दी पूरी। अब ये यार तुम नीचे नहीं आ रहे हो। इसको प्लांट्स को ना किसी दिन लगता है काटना पड़ेगा, इसमें फ्लावर्स तो कहीं आ नहीं रहे, बस पत्तियां हैं। मुझे लग रहा है नई नई पत्तियां हैं, सब थोड़ी लाइट ग्रीन है ना इसलिए। और ये मुझे लगता है इसकी कटिंग करवानी पड़ेगी, उसके बाद इसमें कहीं फ्लावर आएगा, नहीं तो ये ऊंचा ऊंचा होता चला जाएगा, लेकिन इसका कुछ बनेगा नहीं। नीचे दे दो प्लीज यार, ऊपर नहीं आएंगे ना, काफी ऊंची पहुंचा दी इन लोगों ने। इब्रा नीचे गिरा देगी, इब्रा को मत देना, नहीं मिलेगी ना। हाँ अब बांधना है कि नहीं? बांधना है कि नहीं पहले ये बोलो। अच्छा चलो नीचे आ गया, इसको खोलना है? हाँ, नहीं तो छोड़ दो, अब पे छोड़ दो बस। अब तुम हमें दो, अपने आप दे दो, लाओ दे दो यार। अब इतनी ऊंची तो बहुत कट गई, कट गई। एक एक अच्छा एक्टिंग करो, कटने की कैसे होती है एक्टिंग? करें हम लोग ढीला छोड़ देते हैं, किसी को लगता है कट गई। हाँ छोड़ो छोड़ो, ऐसा लग रहा है कट गई पतंग। कॉम्पिटिटर आ गए, एक वो है एक ये है, देखो वो आ गया, जल्दी इधर लाए ना। अरे वाह वो तो वहां से यहाँ आ गए तुम्हारे जस्ट बगल में। जैन भगा, जैन भगाओ, हटा दे जल्दी से, नीचे खींच लो नीचे। डोरी कट गई, जानू इसका मंजा दिख रहा है। ये डोर डोर आई, डोर आई, पकड़ लो पकड़ लो। जानू की पतंग तो गिरी गई, ये गिर गई जानू। किसी को तुम्हारी डोर मिल गई, वो उड़ाने भी लगा। हाँ वो देखो किसी ने तुम्हारी पतंग पकड़ भी ली। कैसा बांधा था यार। चलो जान हम जा रहे हैं, ठीक है गेम ही खत्म। तुम्हारी पतंग ही टूट के गिर गई, काटा भी नहीं किसी ने, टूटी गई। एक घंटे में आपको आना है, ठीक है?
मगरिब के अजान होने से पहले आधा घंटे में आओ जल्दी नीचे। अरे बेचारी दीपा मेरा वेट कर रही थी कि मैं पहले आ जाऊँ फिर वो समोसा खाए, मेरे दिमाग से उधर के जैन में आगे समोसे भी तो आ जाएंगे, इसका मतलब मैंने समोसे ठंडे कर दिए यार अपने इन लोगों के पतंग के चक्कर में। लाओ ये समोसे, दो समोसे पहले मंगाए फिर तुमको, फिर तो आवाज़ दे। आवाज़ तो नहीं दी तुमने, झूठ भी मत बोलो। अब मम्मी कितनी आवाज़ बताई बताओ, आवाज़ दी है इसमें, आवाज़ है भी तो कितनी सी, कितनी सी तो है तुम्हारी आवाज़, ऊपर खड़ी थी माँ मेरा खुद ही गला बैठ जाता और चिल्लाने लगते तो पतंग ही टूट गई यार, बताओ अच्छी खासी उड़ा लेते, एक बार भी पतंग नहीं उड़ाती और सुबह अलग दी काटी तो किसी ने भी टूट अलग किया पतंग उड़ा रहे, सोचा अभी मगरिब का टाइम होने में थोड़ा टाइम है, ये गालियन दिखाओ अभी नहीं बना भाई, अरे दिखाओ ये बठानी लेके आप उसको वो करो ना ब्लेंड, वो करो ना इलेक्ट्रिक हीटर से। कभी खुशी कभी गम जुदा होंगे हम। लाओ क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं, उस सना को अनक गई कहीं से, तुम्हारा स्क्रू गिर गया, वो मांग रहा है, तुम्हारा स्क्रू गिरा है, चलो मिट्टू को देते हो, तुम्हारा स्क्रू गिरा है, तुम्हारा भी तो भेजा गिरा देखो, तुम गौर से देखो तुम्हारा ही होगा यार, एक दो समोसे में मिट्टू का हिस्सा लगाना जरूरी है, बेचारा कुछ नहीं खाया उसने तो उसको उसका टमाटर मिर्चा दो ना, टमाटर पता है कितना महंगा है अभी दे रहे टमाटर, अरे भाई टमाटर की तो बात ही मत करो, कितना 120 रुपए किलो चल रहा है उसके पीछे टमाटर डाला, वली कह रहा है कि देखो टमाटर खिलाया जा रहा है भाई वली ने देखा कहेंगे इसको टमाटर कौन खिला रहा है, इतना महंगा चल रहा है टमाटर मिट्टू को खिला रही हूँ। वही मम्मी ने कहा कि इनके पप्पा ही डाल के गए, तो वही पापा कह रहे थे कि अरे चलो बेचारे खाने दो, उसका तो है ही वही खाना, क्या करा जाए अगर महंगाई है तो। जाओ समोसा दे के आओ पहले, किसको दे कर आना है? मिट्टू को, यार पूरा समोसा खाएगा क्या वो? गाइस मम्मी क्या कह रही हो? नहीं चिल्लाने की बात नहीं, उन दोनों को क्यों नहीं लेके आई? मम्मी ने कहा जिस काम के लिए भेजा था वो कर के आई, उस दोनों को नीचे उतार के, आधा घंटे का टाइम दिया यार मान लो, तो मैंने कहा कि अभी मगरिब से है थोड़ा टाइम, 15 मिनट पहले आ जाना, तो आधा घंटा बोला हमने। मेरा छोड़ो, तुम्हारा ठीक है छोड़ो यार, तुम मेरा क्यों ले रही हो? मिट्ठू को दिया तो कुछ नहीं, चलो छोड़ो छोड़ो, तुम देख लो कैसे बदतमीजी कर रही है यार, छोड़ो भाई, तो जरा सा दिया, इतना सा तो दिया तुमने, एक ही बाइट ले रहे ना, एक बाइट दिखाओ पहले, हाँ नीचे वाला पोर्शन लेते तो और पीटते, ये वाला लेते और ये वाला, हाँ अभी दे रहे। अच्छा मम्मी ये बताओ ये दलीम और हलीम में क्या डिफरेंस होता है? दलीम और हलीम सेम होता है ना? डिफरेंस कुछ नहीं होता है लेकिन, अच्छा एक होता है वो वाला हलीम, वो वाला तो नहीं बना दियो ना, वो रेशे वाला सिवैया जैसा जो लगता है भाई, वो नहीं अच्छा लगता है हैदराबादी रेशो वाला, ऐसा तो सिवई खा रहे हैं, आज तक मम्मी ने बनाया भी नहीं होगा, बनाया एक बार बनाया फिर नहीं, वो नहीं बनाया, हाँ वो नहीं, हाँ खा अच्छा नहीं लगता, मतलब चलता है दूध है उसमें और सिवई खा रहे हैं, ये वाला अच्छा लगता है। अभी मम्मी उसको क्या कर रही है? ये थोड़ा सा खड़ा खड़ा होता है वो एकदम, मतलब रेशो वाला एकदम बारीक, उसको पीस के बनाते क्या? नहीं पीस के नहीं बनाते हैं मगर एकदम गला देते हैं। अच्छा लेकिन वो मुझे नहीं पसंद, मुझे ये वाला पसंद जिसमें दाल मतलब कि आए अच्छे से ना मुंह में आना चाहिए। तो क्या करना है, क्या बोलते हैं ब्लेंड करना है, मथनी से मथो, वाओ वो इलेक्ट्रिक वाले से कर लो वो ज़्यादा बेहतर, कितना करना होगा इसे? हमें बिल्कुल पीस मत देना, तो ऐसा नहीं लग रहा वो जैसे वो वाली एक क्या बचपन में कहानी थी, चक्की चक्की आटा निकाल, चक्की चक्की दाल निकाल, तो लग रहा है गोल गोल चक्की चला रहा है, निकाल कुछ नहीं रहे हैं इसको, क्या कह रहे हैं मथनी से मत रहे हैं। और वो मेरी फेवरेट स्टोरी थी बचपन में, मन करता था चक्की हमारे पास भी होती तो कितना हाँ। अच्छा होता, उसमें जब आटा निकालते, जादुई चक्की वाली स्टोरी किस किस को पता है कमेंट करके जरूर बताइए, मेरी बचपन में वो फेवरेट स्टोरी थी, इंटरनेट नहीं था कोई भी चीज़ें डाउनलोड करने वाली ना तब वो आती थी, कुछ कुछ लोगों के फ़ोन में होती थी ऐसी स्टोरीज कीपैड वाले में, तो उसमें मैंने देखा था, तो वो वाली चक्की मुझे बड़ी पसंद है, जादुई चक्की काश मिल जाए तो उससे जो बोलो वो निकाल दे। चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, चला ही रहे बातें ज्यादा काम कम, बातें कम काम ज्यादा, तो ये तो तुम कर रही थी ना इसीलिए मैंने बोला। नहीं तुम ये बताओ तुम्हारे जैसे लोग आते कहाँ से हैं? ऐसे कोई लोग होते भी है जो मैंगो छोड़ते हैं? इसने अपना मैंगो छोड़ा ऊपर से कह रही है कि बस ये अब हो गया, मैंने मांगा मुझे भी दे दिया, मुझसे कोई मैंगो चॉकलेट या मैगी मांग ली ना उसका मुंह अलग चला जाए।
हाँ कह रही वो स्लाइस ही बड़ी मुश्किल से गया है और तुमने अच्छा हुआ मांग लिया थोड़ा सा। मैगी लोग मांगते हैं कभी कभी, मैंने कहा मैगी से दोस्ती मत क्या करो, फिर चॉकलेट मांगते हैं चॉकलेट से दोस्ती मत रखा करो, और फिर मैंगो तीसरी चीज मैंगो है, पता नहीं कैसे लोग हैं जिनको मैंगो नहीं पसंद है। तुम मांगती है तो दे देते, तुम दे देती ना हाँ। तो मुझसे कोई मांग के तो दिखाए, मैगी भी दे देते हैं, मैंगो भी दे देते हैं, सब दे देते हैं, तुम नहीं देती क्योंकि मैंगो चॉकलेट और मैगी ये तीन चीजें मत मांगना कभी भी। मम्मी भी यही सवाल करती, फ्रिज में रखने जा रही हूँ इतना मैंगो छोड़ दिया, पूछिए जाके जिसके खाने की डाइट जरा सी है, जरा सी बिल्कुल फ्रिज में यार हमने जगह नहीं, कहाँ रखे पूरा खा के। अरे वो देवी जी का पेट दो स्लाइस में भर गया, कहाँ पूरा घुटने की बात कर रही है। बारिश हो रही है, नहीं हो रही है बिल्कुल नहीं हो रही, देखो 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 बिल्कुल नहीं हो रही है। बेटा चिंता मत करो, इतनी भी बाढ़ नहीं आ रही कि आप जी ना आए, आएंगे आप जी। तो हमारा हलीम बन के तैयार हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो गया ना मम्मी, कुछ बचा है? अरे वो तो सब अपना ऊपर से डाल ही लेंगे ना, वो प्याज और चाट मसाला। हाँ सही है। तो गाइस किसके किसके घर में मुहर्रम में बनने वाला है हलीम जरूर बताना। हाँ मुहर्रम में बनता है ना हलीम, मोस्टली मुहर्रम में ही तो बनता है सबके घर में, पर वैसे पहले बना लिया है, मुहर्रम का पता नहीं। और बच्चे ऐसे तुम डाली करती हो, इतना लंबा टाइम रखना नहीं चाहिए ना, जो जिसका हक है उसको देना चाहिए, गरीबों का हक होता है, इतना फ्रीजर में नहीं रखना चाहिए। तभी हम लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए, और बस थोड़ी देर में लगने वाला है, अभी पहले दे दे जहाँ देना है हलीम, उसके बाद फिर हम लोग अपना डिनर करने बैठते हैं अभी रात के। हाय कितना बज गया, 10 बजने वाला है, ध्यान ही नहीं दिया मेरे टाइम का। फिर जा रही है देने के लिए, जाओ तुम जा रही हो, अरे वाह मुझे लगा तुम जा रही हो। पहले बता दो, हम पहले ही कह रहे थे तुम। तो हमने अपना डिनर विनर सब कर लिया है और अब मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो अब मैं ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।